हेलो व्यूअर्स, आज का दिन क्या है? आज का दिन है क्या? आज का दिन है संडे, और संडे होता है सूर्यदेव भगवान का दिन। मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ बिकॉज कल आज का जो व्लॉग आपके पास गया होगा उसमें आपको लाइट उसको आप उसमें आपको वॉइस थोड़ी सी लो आ रही होगी बिकॉज मैंने रियलाइज़ नहीं किया माइक इसमें है नहीं और ये दूर इतना हो जाता है, तो मैं आज थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ इसलिए। इसलिए आज का दिन है संडे। वेलकम टू आवर संडे व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग भी हमारा एज यूजल अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे देखिए, गुगी भी नहा लिया है, मैं भी नहा लिया हूँ, और मैंने देखा मैंने पहनी नई टी शर्ट और ये ब्लू निकर कॉम्बो कैसा लग रहा है बताइएगा। और देखिए पहले टी शर्ट है ना, मैंने भी बहुत टाइट आते थे, अभी ढीली हो गई, देखिए देख रहे हैं, समझ लो कि वेट रिड्यूस हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होता है, इमीडिएटली तो किसी का भी नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए गुगो गुगो, ये देखो अपनी दूध की बोतल लेके क्या कर रहा है, पूरा दूध गिराएगा, ये गिरा ही दिया आधा, तो ये कर रहा है, मेरे को ध्यान नहीं दिया, इसने पिया नहीं इतना, मेरे को ध्यान नहीं दिया कि ये भी कर सकता है, गंदा बच्चा। और पूरे पैर में चिप चिप कर ली होगी आपने, है ना, निप्पी हटाओ ये, और कचरा लगा के कहाँ जा रहे हो आज, है कहीं जा रहे कचरा लगा के? और ये पता है ये बहुत पहले का ही हम लेके आए थे, अभी तक ये फूटा नहीं है, ठीक है, ये इसी से ही खेलता रहता है। लो खेल लो इससे, खेल लो, खेल रहा है। और इसमें ना ऊपर सेल्फी स्टिक में ऊपर लाइट भी चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग मुझे पता नहीं कैसी आएगी, बट अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सब नहा भी चुके हैं। ब्रेकफास्ट में हमने क्या लिया था? ब्रेकफास्ट में हमने सूजी और मलाई के सैंडविचेस लिए थे, ये हमारा था आज का ब्रेकफास्ट, ठीक है। साथ में चाय ले ली थी, वो मैं रिकॉर्डिंग किया बिकॉज मैं सो के उठा था, फिर मेरा मन नहीं किया था रिकॉर्डिंग करने का, मैंने सोचा हम नहा धो लिया तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं व्लॉग की, ठीक है। और किचन भी अब देखते हैं लंच में हम क्या बनाएंगे, और डिनर तो हमारा बाहर है, शिव तक की बुआ जी हैं उनके यहाँ जाना है, है ना, तो बुआ जी के यहाँ जाना है हमें श्वेता की, है तो उनके घर जाके देखते हैं क्या रिकॉर्डिंग हो पाती, हो पाएगी तो करेंगे, नहीं हो पाएगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। पर लेट्स सी, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देंगे, है ना। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। हेलो व्यूअर्स, अभी हो रही है दोपहर, और दोपहर में हर किसी घर में क्या बनता है, क्या बनता है बताओ, आप बताओ भाई क्या बनता है? लंच बनता है, और यहाँ पे चल रहा है एसी, ठीक है। और हमारा गोगी है सोया नहीं है अभी तक, जब आपको दिखाया था तब से हो गए हैं 1.5 घंटा, तो ये भाई साहब अभी तक सोए नहीं हैं, सो जाओ ना, सोते क्यों नहीं हो। और आज लंच में यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, आज यहाँ बन रहे हैं भरमा बैंगन, देखिए मेरे भरमा बैंगन देख रहे हैं आप, तो आपको इसमें खुशबू तो आएगी नहीं वीडियो में क्या, अब ऐसे देखिए ये यहाँ पे हो रहे हैं बढ़िया से भरमा बैंगन। और साथ में हम देखते हैं दाल वाली बनाएंगे इसके साथ। और गुगु सो जाओ, ये देखिए ये करता रहता है, ये देखो ऐसे सो जाता है ये जमीन पे, इसको जहाँ बोले वहाँ सो जाता है, ऐसे ही सोता नहीं है, नहीं सोगे फिर नहीं सो रहा है। तो अभी हमारे घर में भी यही बन रहा है, और भरमा बैंगन, और साथ में देखते हैं दाल वाल बनाएंगे, फिर आपको अपनी थाली दिखाएंगे अपनी, ठीक है। और मैं बनाने जा रहा हूँ आज, अब क्या स्क्वैश बना रहे हैं ठंडा ठंडा, बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। स्क्वैश बहुत से लोग पता नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, स्क्वैश में दिखाता हूँ होता क्या है वैसे, एक सेकेंड रुकिए। स्क्वैश एक्चुअली होता है ये होता है स्क्वैश, ठीक है, किसान का आता था बचपन में, हम खा लेते थे इसे, अभी भी आता है, मेरे को बहुत दिनों बाद मिल गया, तो मैं लेके आया हूँ स्क्वैश, ठीक है। तो आप ठंडा ठंडा स्क्वैश पीजिए, हमारे साथ आइए, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें घोली जा रही है यहाँ पे चीनी, ठीक है, देखिए चीनी घुल रही है, उसमें आप डाल दीजिए पानी, और फिर ये डाल दीजिए स्क्वैश, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर का बन के आता है, इसमें बहुत फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है, इसमें खसखस भी आता है, काफ़ी आता है फ्लेवर्स। और कौन से होता है इसमें, येलो रंग का कुछ होता है, वो मुझे पता नहीं क्या होता है, बट एक वो भी फ्लेवर आते हैं, काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं, बट हमें ऑरेंज वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है।
सुबह ठंडा ठंडा हम स्क्वैश पियेंगे, उसके बाद हम करेंगे लंच, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ के लिए निकलेंगे, हम निकलेंगे श्वेता की बुआ जी के यहाँ जाना है हमें आज वहाँ पे। सो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में आज आप, ठीक है, संडे स्पेशल ब्लॉग में, ठीक है। हम आए हुए हैं श्वेता की बुआ के यहाँ जाना है तो उनके लिए मिठाई लेने के लिए। सो हम ले रहे हैं ये पतीसा जो कि होता है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। वैसे तो मिठाइयाँ बहुत हैं, कल भी आपने देख ही लिया होगा कल वाले ब्लॉग में, तो मैंने कहा आज आपके मुंह में दोबारा से पानी ले आते हैं। और शॉप का कुछ व्यू ऐसा है, यहाँ पे श्री हमारे घर के पास में ही है ना। तो देखिए यहाँ पे केक्स भी हैं, पेस्ट्री भी हैं, नमकीन भी है और चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। पेस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पेस्ट्रीज देखिए कितनी सारी है यहाँ पे, देख रहे हैं कितनी वैरायटी की पेस्ट्रीज है ना। सो और यहाँ पे पूरी शॉप का व्यू है। और यहाँ देखिए कचौड़ी भी मिल जाएगी, आलू पेटी भी मिल जाएगी, समोसे गरम गरम रखे हैं, खाने का तो बहुत मन कर रहा है बट मैं ले ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको गिफ्ट पैक्स भी मिल जाएंगे। तो ये मिठाई मैंने ले ली है यहाँ पे और वो गिफ्ट पैक भी ले लिया है बच्चे के लिए। और ये गाड़ी हमारी खड़ी है, इसी गाड़ी में हम जा रहे हैं वैगनार में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं इसकी बुआ जी के यहाँ पे। अब वहाँ पे ये व्लॉगिंग करेगी है ना, क्योंकि मैंने जितनी करनी थी मैंने कर ली है। एक मैंने गिफ्ट पैक ले लिया है बच्चे के लिए वहाँ पे और मिठाई भी ले ली है, ठीक है। और वो गेम हमारे यहाँ पे बैठ रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हो आप, मस्ती करने जाते हो हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? आवाज़ बंदी कर देना, गाने की आवाज़ बंदी कर देना। तो बस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अपनी तरफ से और मिलते हैं आपको यूनिनव हाइट्स में जाकर, क्योंकि सोसाइटी का नाम है यूनिनव हाइट्स, राजशाह में रहती हैं, ठीक है। चलिए बाय। तो आ गए यहाँ पे बुआ जी घर में, अब जा रहे हैं लिफ्ट में एंट्री करने और बस उनके घर पहुँच के देखते हैं क्या करते हैं। पहली बारी जा रहे हैं हम तो, है ना। तो ये तो जा चुके हैं, शादी के बाद हम पहली बार जा रहे हैं और ये रुकी हमारा, ठीक है। तो चलिए मैं जा कर मिल जाएगा आपसे। हम पहुंच गए हैं, ये आप मिल चुके होंगे पहले भी ब्लॉग में। वैसे हम आए हैं मतलब शादी के बाद से पहली बार आए हैं, इससे पहले तो आ चुके हैं, मैं अकेले आई थी शादी के बाद पहली बार। और ये देखिए दोनों बच्चे देखो, हाँ झूला झूले से हरा और सूट पहन, और ये देखो हेलो कर दो, श्रेया का पैंट भीग गया था नीचे, देखो देखो कौन आया। हेलो हेलो हेलो, ये भी हेलो, सब लोग हेलो बोलो। आधा हो रहा है, आधा 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 गेम हो रही है दोनों की। क्या हो रही है शुभ, क्या कर रहे हो गेम, क्या कर रहे हो? उसने सारे खिलौने ले लिए, कैरम ने आके इसके अभी इसमें यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हमें जो पहली चीज मिलती है, जैसे यूपी में जो होता है मीठे के साथ पानी जरूर है ना, यही होता है ना। तो ये जरूर होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, ये दिल्ली में ही है, हमारे यहाँ तो पानी पानी होता है। यूपी में होता है कि मीठे के साथ पानी जरूर हो। और यहाँ पे हम निकनी फ्रूटी भी पीने, जो कि मैंने आधा गिलास खत्म कर लिया है, और यहाँ पे वो पिए जा रही है, रुक नहीं रही है कहीं से कहीं तक भी है ना। और ये बहुत शैतानी कर रहा है, कह रहा अब सारे खिलौने पीछे फेंक रहे हो ना, उठा उठा के कौन उठाएगा वहां से, लो दादी उठाएंगी। हो रही है सो यहाँ चल रही है समोसा पार्टी, तो अभी चाय भी आएगी गर्मा गर्म। समोसे के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे गुगी ने अपना पूरा समोसा ले लिया है, अपनी मम्मी के लिए बना बना के दे रहे हैं वो समोसा कि आप खाओगे ये वाला। ये बच्चे बच्चों का देख कर नहीं करते, उसको लगा कि भैया खा रहा है समोसा पूरा, तो मैं भी खा रहा हूं। आप भी खा रहे हो समोसा,
ये स्कूल जाने के लिए इन्हें टाई पहन लिए, ये स्कूल जाने के लिए ले लिया है। आपको अच्छा लगता है स्कूल जाना? बहुत अच्छा ना, बहुत मजा आते हैं। छुट्टी चल रही है, एक गोगी स्विमिंग पूल में नहा रहा है, मजे से बैठ के मजा ले रहा है गोगी। और यहाँ पे बुआ जी भी खड़ी हुई है। यहीं पे ना देखिए स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए, यहाँ पे सिर्फ बच्चे नहाते हैं और बड़ों का अलग है यहाँ पे। और सामने देखिए पार्क भी है यहाँ पे बच्चों के लिए। सो ये सोसाइटी में ही बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। देखिए गोगी कितने मजे ले रहा है। पे देखिए गोगी को हम ये झूला रहे हैं, झूला गोगी मजे से झूल रहा है यहाँ पे, झूला देख रहे हैं गोगो कैसे बैठे हुए आराम से। गोगी क्या झूले झूला झूल रहे आप हैं? गोगी मुझे ही चक्कर आने लग जाएंगे, आपको तो आने रहे, आप तो रुक नहीं रहे हो और हमें चक्कर आने लगेंगे। गोगी हैं गोगी यहाँ पे बन रही है मटर पनीर, जिसके लिए ये अभी मसाला भुना जा रहा है। ये मटर है, ये टमाटर अभी तैयार हो रहा है। बुआ कह रही हमको मत लो, मैं अच्छी नहीं लग रही। अब आप बताइए अच्छी लग रही है नहीं लग रही। अब मैं आपको जरा सा यहाँ से दिखा देती हूँ बाहर से। अभी भी देखिए सब स्विमिंग पूल में नहा ही रहे हैं। अब वहाँ मीटिंग चल रही थी, अभी शायद ख़त्म हो गई। अब बच्चे देखिए पार्क में झूला झूल रहे हैं सारे। अब हम चलते हैं जरा देखते हैं अंदर। यहाँ तो गोगू सो रहा है, दिखा दिया था अपने घर, घर दिखा दिया था, घर दिखा दिया था। नहीं देखिए एक ये कमरा है, लाइट का लाइट ऑन कर लो इधर से, इधर से। बहुत कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे ये चल रहा है क्या आम का खाना, इसमें है ये मटर पनीर की सब्जी है और सैलेड है, पूड़ी है, पुलाव भी है, पापड़ भी है। और ये अचार आ रहा है, और वो कौन सा अचार है बताइए स्पेशल? सूरन का अचार। ये सूरन का अचार है और आम का अचार अभी आ रहा है। आम का अचार अभी आ रहा है, मिर्चे का भी, मिर्चे का भी है। देखिए पुलाव भी बने थे ना, मैंने बताया था, तो ये देखिए भाभी बुआ ने इतने बढ़िया पुलाव बनाए हैं, काजू बादाम सारे मेवे डाल के बढ़िया पुलाव बनाए हैं, अच्छा लगा भाभी आपका खाना। ये दोनों अब खा रही हैं खाना, पहले हम जेंट्स ने खा लिए थे, दोनों अब खाना खा रही हैं। किससे बात करवा रहे हो आप? गार्ड भैया से बात करवाते हैं कोई? और यहाँ पर श्वेता भी खाने में लगी हुई है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया ना, मज़ा आ गया ना। और ये देखो वो पानी में हाथ डाल रहा है, ये गंदा बच्चा, क्या कर रहे हो? होटल थोड़ी ना ही हो, ये नींबू भी लेके आते लिए अब। ये देखो भाई साइकिल चलाना भी सीख रहा है, अभी पैर पहुंच नहीं पा रहे, पैर पैडल तक छोटे छोटू से पैर है, बट हैंडल पकड़ना तो सीख गया है। अब पीछे एक होल्डर लगा, घुमा लो, तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं बुआ जी के घर से, और बहुत ही मज़ेदार क्या रहा हमारा स्टे रहा, दोपहर से लेकर मतलब कि 4 बजे से लेकर कितना 11 बजने को हो रहे हैं, तो अभी जस्ट हम निकले हैं, कैब हमने कर लिए क्योंकि ये रहा इसके खूब रोया था निकलते से, मैं इसका मन नहीं कर रहा था सोसाइटी से निकलने का, है ना क्योंकि लगा के देखो कैसे बैठा है वो, ठीक है। और श्वेता को क्या मिला है इसको? वो कपड़ा मिला है और इसका भी है, और मेरे को कैश दिया, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। सो अब मैं आपको दिख भी नहीं रहूँगा, अब देख रहा हूँ। सो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय।